हरियाणा के सोनीपत से भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। इससे भारी नुकसान होने की बात भी कही जा रही है। ये आग सोनीपत में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में लगी। 39 नंबर केमिकल फैक्ट्री में लगी आग के कारण उसके साथ वाली 40 नंबर कंपनी भी आग की चपेट में आ गई, जिसके कारण मौके पर एक हड़कंप का माहौल बन गया है। इस आगजनी से 40 नंबर कंपनी के अंदर रखे गैस के सिलेंडर में भी आग लग गई। अपनी जान को जोखिम में डालकर कर्मचारी सिलेंडरों को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। भीषण आग की सूचना कंपनी के कर्मचारियों ने फौरन दमकल विभाग को दी। सूचना पाकर दमकल विभाग की गाड़ी व बड़ी औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचते ही मोर्चा संभाल लिया और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। गौरतलब है कि आग पर काबू पाने के दौरान धमाके की आवाजें भी सामने आ रही थी। लोगों का कहना है कि फाइबर केमिकल में सिलेंडर फटने के कारण ये तेज आवाजें आ रही हैं। इस आगजनी से आसपास मौजूद कंपनियों में भी आग लगने का खतरा बढ़ गया है और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस की टीम को मौके पर तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।